में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा अपन माग संबोधनक विषय में सरकार संग छलफल करबाक निर्णय कैलक। मोर्चाक नेता सब रवि दिन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय में एकटा बैसार बजाक मधेश आंदोलन के क्रम में जान गुमौने सबके शहीद घोषणा तथा मुद्दा फिरता के विषय में सरकार संग छलफल करबाक निर्णय कैलक। मंत्रिपरिषद के एक सप्ताह पहिने बैसल बैसार से अ विषय में गृह कार्य क प्रस्ताव तैयार कर के जिम्मा गृह मंत्रालय के दल गया छ। मुदा गृह मंत्रालय मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव एखन नहीं लगल। शहीद घोषणा मुद्दा फिरता संबंधी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में नहीं पहुंचल बात के कारण मोर्चा आई विषय में सरकार संग छलफल करबाक निर्णय कने तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी के उपाध्यक्ष बृखेश चंद्र लाल जानकारी करौला। फिर्ता लिने संबंध में चाहिए आपसी छलफल करें एटा धारणा बनाने उद्देश्य आज बैठक भएको हो र हामीले एउटा धारणा बनाएका छौं र त्यसै अनुसार त्यहाँ हाम्रा नेताहरूले कुराकानी गर्नुहुन्छ। बैसारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालके अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौँ सब बहरा रहलाके कारण अनुपस्थित छलथि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीके नौ गोटेके समावेशक मन्त्रिपरिषदके तेसर बेर विस्तार कैलक। नेपाली कङ्ग्रेस मन्त्री होबयवला सबके नाम उपलब्ध नै गराब सकलाके बाद प्रधानमन्त्री दाहाल शपथ खुवाउने 11 दिनमै रवि दिन पार्टीके नेता सबके सहभागी गराक मन्त्रिपरिषदके तेसर बेर विस्तार कैलक। तेसर बेरके विस्तारसँगै मन्त्रिपरिषद 18 सदस्यीय भेल। विस्तारित मन्त्रिपरिषदमे 5 गोटे मन्त्री आ 4 गोटे राज्य मन्त्री थपल गेल। 5 मन्त्रीमध्ये जनार्दन शर्माके ऊर्जा, हितराज पाण्डेके स्थानीय विकास, राम कार्कीके सूचना तथा सञ्चार आ अजय शङ्कर नायकके कानून मन्त्रालयके जिम्मेवारी देल गेल। त धनीराम पौडेलके मन्त्रालय एखन नै तोकल। पौडेलके शिक्षा मन्त्रालयके जिम्मेवारी देव कहनेमे उक्त मन्त्रालय नेपाली कङ्ग्रेस अपना लेल राख प्रधानमन्त्री दाहालसँग आग्रह कैलाके कारण पौडेल बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भेल। कङ्ग्रेस शिक्षा मन्त्रालयले त पौडेलके स्वास्थ्य मन्त्रालय देल जायत। 5 मन्त्रीमध्ये गोर्खासँग निर्वाचित पाण्डे तथा समानुपातिक सांसद सब कार्की, नायक आ पौडेल मन्त्रिपरिषदमे नयाँ चेहरा छथि। त रुकुमसँग निर्वाचित शर्मा मन्त्रिपरिषदमे स्थान पाउने ई दोसर बेर अछि। एहिसँ आगू ओ शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयके जिम्मेवारी सम्हारने छलाह। तहिना पाँचथरके समानुपातिक सांसद श्रीप्रसाद जवेगुके स्थानीय विकास, धनकुटाके समानुपातिक सांसद धनमाया बिगके बिना विभागीय, नुवाकोटके समानुपातिक सांसद राधिका तामाङके कृषि विकास तथा रौतहटसँग निर्वाचित सांसद सत्यनारायण भगतके ऊर्जा राज्य मन्त्रीमे नियुक्त कयल गेल अछि। नवनियुक्त 5 गोटे मन्त्रीके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा 4 गोटे राज्य मन्त्रीके प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रवि दिन पद तथा गोपनीयताके शपथ समेत खुवा देने अछि। राष्ट्रपति निवासमे आयोजित मन्त्री सबके शपथ ग्रहण समारोहमे सहभागी होब सञ्चारकर्मी सबके रोक लगाओल गेल छल। नेकपा माओवादीक नेता प्रभु शाह मन्त्री छनौटमे पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुकि गेल प्रतिक्रिया देलक अछि। प्रचण्ड शाहके कानून मन्त्री प्रस्ताव कयने छल, मुदा ओ स्थानीय विकासमे दावी करैत आयल छल। शाह कानून मन्त्री नै बनबाक अडान लेलाके बाद माओवादी प्रचण्ड दोसर सांसद अजय शङ्कर नायकके जिम्मेवारी देने अछि। एहि विषयमे प्रतिक्रिया लेलापर माओवादी नेता शाह कहलनि देशके केना कऽ निकास देब कहि कऽ मन्त्री छनौट करबाक चाही, मुदा एहिमे अध्यक्ष प्रचण्ड जी चुकि गेल छथि से हमर टिप्पणी अछि, ई नीक लक्षण नहि भेल न कहब छलनि। माओवादी नेता शाहके विषयमे थप बातचीत करऽ नहि चाहलनि, मुदा स्थानीय विकास मन्त्रालयमे दावी करबाक क्रममे ओ पार्टी बैसार समय स्वयं एखनो संविधान अस्वीकार केने आ संविधान अस्वीकार करयवला सबके नेता भेल दावी करैत आयल छल। स्वयं कोनो जिम्मेवारी देलापर ओकरा सेहो ध्यानमे देबऽ पड़बाक हुनक तर्क अछि। ओ संसदके अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिक सभापति समेत रहल नेता शाह कहलनि कानून मन्त्री बनसँ नीक हमरा लेल एखनके सभापतिए ठीक अछि, कानून मन्त्री भऽ कऽ हम की करब, किताब बाँटऽके काज करब। एहि बीच महिला सबके कैबिनेट मन्त्री नहि बनौने कहैत पार्टी भीतरके महिला नेत्री सब
असंतुष्टि जाहिर कक एक अलगे भेला बजाने छल मुदा नुकाक दू गोटे महिला सब राज्य मंत्री में शपथ खा लेने आई छु। पति द्वारा पत्नी के हत्या कैल गेल घटना सार्वजनिक भेल अछि। धनसा के छिरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 6 सखोबा के 28 वर्षीय कुशेशा तेली धरगर हथियार प्रयोग कक अपन कन्या 27 वर्षीय सुंदर कला देवी के हत्या कने दावी कैल गेल अछि। शुक्र दिन घास जारिन काट जंगल गेल समय में छिरेश्वरनाथ नगर पालिका वार्ड नंबर 9 में पड़े वाला बर्दिया जंगल के भैंसे खोला में कुशेशा तेली अपन कन्या सुंदर कला के गर्दन में धरगर हथियार प्रयोग कक हत्या कैने इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के प्रहरी निरीक्षक सागर विक्रम राणा दावी कलक। भोर में पति पत्नी जंगल में जारैन लाब गेल आ साँझ में अकेले घर घूर के अला पर पड़ोसी सबके शंका लाग के खोज तलाश कला पर घटना सार्वजनिक भेल बताओल गेल। घास काट गेल दू दिन पश्चात समेत सुंदर कला घर नहीं घुरला के बाद स्थानीय सब इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर में जानकारी करने छल। शुक्र दिन आ शनि दिन घर नहीं घुरला के बाद सुंदर कला के इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर में स्थानीय जानकारी करौला के बाद पुलिस कुशेशा के छिरेश्वरनाथ नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 नया टोल से पकड़ाव कने छल। अनुसंधान के क्रम में स्वयं अपन कनिया सुंदर कला के हत्या कने सा स्वीकार कने प्रहरी निरीक्षक राणा जानकारी करौलक। स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति धनुषा आह्वान कने बैसार संघीय गठबंधन के नेता कार्यकर्ता सब नाराबाजी करते अवरुद्ध कलक। धनुषा जिला में स्थानीय तह के संरचना तथा सीमांकन संबंध में छलफल कर बैसल प्राविधिक सहयोगी समिति के बैसार स्थल में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के नेता सब नाराबाजी करते अवरुद्ध कलक। सीमांकन के विषय के संविधान संशोधन से निष्कर्ष नहीं लगाब सीमांकन के विषय के संविधान संशोधन से निष्कर्ष नहीं लगते स्थानीय तह के पुनर्संरचना संबंधी काम काज कर नहीं देवाक तथा गाँव पालिका आ नगर पालिका के गठन जनसंख्या के आधार में नहीं भ पहुँच आ भौगोलिक आधार में कैल गेल बतबैत ओ सब बैठक स्थल में नाराबाजी कने छल। आ किस दल के साथी सब अहाँ के अवरोध कल के वो सब नहीं बुझ के अवरोध कर देने बात के। प्राविधिक सहयोग समिति धनुषा संयोजक राजकिशोर प्रसाद सा पुनर्संरचना संबंधी कार्य विधि तथा मापदंड प्रस्तुत कर लगला पर मोर्चा के नेता सब अवरोध सिर्जना कने छल। धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी दिलीप चाप आगाई निर्णायक तह के कामकाज नहीं भेला से छलफल कर देव मधेसी मोर्चा के नेता सब संग आग्रह कने छल। नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति रामस्वरूप यादव छलफल कर देव के पक्ष में वकालत कने छल। सात महीना भित्रे गांव पालिका तथा नगर पालिका के सीमाना निर्धारण का सिफारिश कर सीमा निर्धारण आयोग संबंधित जिला के स्थानीय विकास अधिकारी सबके निर्देशन दे रहे हैं। गौ संरक्षण मंच नेपाल के नगर विकास दबाव मंच जनकपुर उपमहानगर पालिका के 127 सभे वार्ड में बिजली बत्ती के मरम्मत आ जडान कक कार्यान्वयन में लाभ मांग कलक। मंच के अध्यक्ष जगदीश महासेठ अनहार के फायदा उठाक जनकपुर में आपराधिक क्रियाकलाप में वृद्धि भेल चोरी डकैती बढ़त जा रहा कहत ओकर न्यूनीकरण में ध्यान देव कहत जनकपुर उपमहानगर पालिका के कार्यकारी प्रमुख पुण्य प्रसाद लुटेल के ज्ञापन पत्र बुझबत आग्रह कलक। एक गति देखि नै यसलाई 30 गति भई नै हालत रहेको एक गतिदेखि अविलम्ब यसलाई कार्य सुचारु गर्नुहोस् र नगरपालिकाको प्रत्येक वार्डको 1-27 वार्डसम्म प्रत्येक पोलहरूमा अनिवार्य रूपमा गुणस्तरीय त्यो बत्ती लाग्नुपर्ने र त्यसको निरीक्षण अनुगमन यो नगरपालिकाबाट हुनु पर्यो कमिटी बनाएर। जनकपुर धार्मिक सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक रूप में समेत महत्वपूर्ण नगर रहल कहत रात में सेहो चल बुल के व्यवस्था करा ओहन वातावरण बनाब मंच शीघ्र ओ काज के व्यवस्थित कर तथा कार्यान्वयन में लाब आ नहीं भेल त अनुगमन समेत कर मांग कलक। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान के विषय के निष्कर्ष नहीं लगाक राज्य पुनर्संरचना आयोग के काम अगाड़ी नहीं बढ़ाब सरकार के चेतावनी देने छथि। महोतरी जिला के सदर मुकाम डलेश्वर में पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में आयल सब के अध्यक्ष यादव पत्रकार सब संगे के बातचीत में ओली नेतृत्वक सरकार अगाड़ी बढ़ौने सीमांकन के काज के तत्काल बंद कर प्रभाग सरकार संग आग्रह कलक। ओ अपन मांग के संबोधन कर जका संविधान संशोधन नहीं कैल गेल तो स्वयं सब संविधान खारिज के मांग अगाड़ी बढ़ेबाक
चेतावनी दैत कहलन हम सब एखन देख के आ प्रतीक्षा करके स्थिति में छी कि हैत एखन कहल नहीं जा सके। माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमंत्री सहित नेपाली कांग्रेस संग भेल तीन बुदे सहमति अंतर्गत हम सब प्रधानमंत्री के निर्वाचन में वोट खसा के एक बुदे पालना कर चुकल बतबैत हो। हम सब सरकार दू बुदा सहमति पालना करत कि नहीं करत कह देख आ प्रतीक्षा करके स्थिति में रहल स्पष्ट केने छल। मधेश आंदोलन में गोली चला के मारल गेल सबके पक्ष में जा कर वोट खसा के उस सब हुनका सबके काम के वैधानिक ठहराओ गेल। पत्रकार सबके प्रश्न में वो कहलन ओहन नहीं भग गलती सचियाब ओहन नहीं भक गलती सचियाब के कहल गला के बाद स्वयं सब वोट खसौने दावी कलक। वो कहलन जे कांग्रेस एमाले हम सब गलती कैली गलती सचियाब के लिए तैयार छी कहला के बाद हम सब वोट खसैने छी। सरकार चुनाव करेबाक कहि रहल समय में मधेशी दल सब किया चुनाव के विपक्ष में रहल अछि। प्रश्न में अध्यक्ष यादव कहलन चुनाव के लिए कैल जाय वाला चुनाव के कोनो औचित्य नहीं अछि, मांग पूरा नहीं कर चुनाव केला पर और देश संकट में फंस जाय। पार्टी कार्यक्रम पूर्व अध्यक्ष यादव जिला कारागार में पहुंचकर कैदीबंदी सब संगे बातचीत समेत कयने छल। गाजा सहित के भयान नियंत्रण में लेने रहितो पुलिस के चेक जांच के क्रम में चालक आ गाड़ी में सवार एक गोटे फरार भेल अछि। पुलिस जनकपुर महेंद्रनगर सड़क खंड अंतर्गत धनसाक लक्ष्मीनिया बाजार में भोर में चेक जांच के क्रम में गाड़ी चालक आ गाड़ी में सवार एक गोटे फरार भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनसा बतौलक अछि। अस्थायी प्रहरी पोस्ट लक्ष्मीनिया के प्रहरी सहायक निरीक्षक हरिराम यादव चेक जांच के क्रम में स्वयं सब कार के डिक्की खोल गेला पर मोबाइल में बात केने बहाना में चालक आ एक गोटे दोसर व्यक्ति फरार भेल दावी कलक अछि। पुलिस फरार भेल सबके खोजी काज कर रहल। धनसाक प्रहरी नायब उपरीक्षक नकुल पोखरेल जानकारी करौने छथि। 11/36/06 नंबर के कार के डिक्की में 11 पोका बनाकर 36 किलो गांजा पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। गाड़ी सहित के लागू औसत गांजा जिला प्रहरी कार्यालय धनसा पहुँचाओल गेल आ सवारी धनी के विषय में खोज तलाश भ रहल। नायब प्रहरी उपरीक्षक पोखरेल जानकारी करौलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के थाई कमिटी के बैसार शुरू भेल अछि। पार्टी मुख्यालय धुम्बराही में रवि दिन शुरू भेल बैसार में स्थानीय तह के पुनर्संरचना, प्रदेश कमेटी निर्माण, सलाहकार परिषद आ ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मंच गठन, समीकरण बदलनाय के कारण केंद्रीय कमेटी के बैसार के मिति लगायत के एजेंडा बनाओल गेल अछि। सरकार से बहरवाला के बाद पहिल बेर बैसल थाई समिति के बैसार से अगिलका सरकार बनौने कार्यतालिका अनुसार स्थानीय, प्रदेश आ संघीय तह के निर्वाचन कर सरकार के ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि। बैसार से सरकार ऊपर निर्वाचन नहीं कराओल गेल, संवैधानिक रिक्तता कायम कर के बाढ़ दिस अगाड़ी बढ़ल आरोप सहित अगिलका सरकार बनौने कार्यतालिका में बम्मा दहिना नहीं होब जका निर्वाचन कर तथा वही के लिए कानून बनेबा काम के तीव्रता देव ध्यान आकर्षण कराओल गेल। प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराय जानकारी दिलन को मिति तोकेको थियो र त्यो अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति तयारीको काम कानुनी तयारी र अरू भौतिक तयारीको काम अगाडि बढाएको थियो। मङ्सिरमा स्थानीय तहको, चैतमा प्रदेशको र 74 सालको कार्तिक मङ्सिरमा सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका जो हामीले अगाडि बढाएका थियौँ, हामी देख्दैछौँ यो सरकारले निर्वाचन गर्ने मनसाय देखाएको छैन, त्यो नियत यसले प्रकट गरेको छैन। त्यसो हुनाले यसप्रति बैठकले गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेको छ र निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बैठकले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले नेतृत्वका अघिल्का सरकार आगामी अघनमे स्थानीय तह तथा दोसर वर्षके वैशाख जेठमे प्रदेश आ कार्तिक अघनमे संघीय तहके निर्वाचन करबाक कार्यतालिका बनाउने छल। मुदा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र आ नेपाली कङ्ग्रेस अघनमे स्थानीय तहके निर्वाचन गर्न सम्भव नै हेबाक निष्कर्ष सहित चैत महिनामे करबाक प्रस्ताव कयलक अछि। व्यवस्थापिका संसदक सबसँ पैघ दल नेकपा एमाले भित्र मधेशके मुद्दाके लक एखनो एक प्रकार के भ्रम रहल अछि। ओहि भ्रम के चिरा के प्रयास नहीं तो ओहि पार्टी के मधेश के प्रतिनिधित्व केनिहार सांसद तथा नेता लोकन कलन अछि, नहिए एमाले के नेतृत्व लोकन मधेश के मुद्दा सुन के प्रयास में अछि। मधेश आंदोलन उठौने सीमांकन में हेरफेर के मुद्दा देश विखंडन के उद्देश्य से उठाओल गेल एमाले के नेता लोकन एक तरफी रटान लगा रहल अछि। जनकपुरक सर्वसाधारण सबसे पूछने छलौं एमाले के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतक नेतृत्व सबसे
मधेशक मुद्दा के विखंडन से तुलना कैल जा रहा टिप्पणी संबंध में अपने सबके कहब की अहाँ के बात जहना के तहना यो वामदेव गौतम ले केपी ओली ले भनेर त्यो काम हुँदा सक्दैन त्यो प्रचण्डजीले जो भन्नु सक्छ त्यो प्रचण्डजीको काम राम्रो छ माओवादी आए 10 वर्ष जनयुद्ध लड्ले ओकर अधिकार मिले विखण्डन नै भेले यी मधेसके माग देला से कति विखण्डन हो यी मधेसके माग त जायज माग हे ओमे जे मुन्ना संशोधन करेको संशोधन कर देते ये माग छ नै यसै बेसी त माग नै माग रहले देश पाठ त नै कहि रहल कर एगो त मतलब विखण्डन के त बाते नै सवाल नै वातावरण छै अखन मधेसके माग के आ जे हुनकर हक अधिकार के ओ देला के बाद हमरा बुझा देश विखंडन है वास्तव में देश में एक बढ़िया व्यवस्था बनते भाईचारा के अवस्था बन सके एक दूसरे के सत्कार वाला बात बन सके और दुनिया में बहुत एहन देश है कि यूरोप कंट्री भी बहुत एहन जगह है जर्मनी संसद देश है जो जगह पर एहन किसी के विभेद रहे कि अधिकार देला के बाद कहीं द्वंद्व नहीं फैल जाए लेकिन जब अधिकार मिले और समानता बनले तो पूरा देश शांति और प्रगति की ओर बाद में जर्मन गोरखा सबके लाग रहा कि राष्ट्रवादी हमी छे वो बिल्कुल ओकर सबके वो राष्ट्रवादी विखंडनवादी जे एमाले के नेता सब है जे ओकर जे वो चिंतन है वही के कारण से हमरा बुझाए कि आ वाला दिन में विखंडन जरूर हो सके अगर वहने मानसिकता ओकरा सबके रहले तो विखंडन हो सके हम सब जे मधेश में बैठा वाला जनता है कोनो पार्टी के होए एमाले के होए कांग्रेस के होए या मधेशवादी दल के होए हम सब सच्चा राष्ट्र भक्त छी आ कहियो हम सब विखंडन नहीं होए देवे बाइज नहीं रहले खाली के रहले जे जायज मांग है से देवे तो जायज मांग है कोना के संघता जायज मांग नहीं हक अधिकार से बात कर रहले उ जायज मांग नहीं है आ यदि जायज मांग है तो देवे में फिर आपत्ति कर अहाँ के संविधान से पहले संविधान लेखे से पहले आंदोलन भेले बार बार आंदोलन में कैला भेले मधेशी के हक अधिकार के लिए उहे संविधान में लाठी के हाथ से डंडा के हाथ से गोली के हाथ से संविधान लेखन काम पूरा कर दिया नहीं चाहिए मधेसिया में क्यों नहीं हमारा संविधान नहीं बुलाना तो हम ही क्या बुला में हम अपन मधेसिया का राज्य अपन कर लिया हम अपने विघटन करब ये मान लें कांग्रेस ये मान लें माओवादी सब चल जाओ पहाड़ हम मधेश में एकता नहीं रखब कोई पार्टी मधेसिया पार्टी मात्र मधेश नेपाल में नहीं हो वास्तव में कैला के बाद विखंडन भ सकते लेकिन मधेशो तो नेपाल आदिवासी है मधेश नवनियुक्त सूचना तथा संचार मंत्री राम कार्की पदभार ग्रहण कलक शपथ ग्रहण लगते नेकपा माओवादी केन्द्र के पार्टी मुख्यालय पहुंचकर शहीद तथा बेपत्ता स्तंभ में माल्यार्पण करे सूचना तथा संचार मंत्री कार्की व तस्स घुरिक सूचना तथा संचार मंत्रालय पहुंचकर अपन पदभार ग्रहण कलाय संचार मंत्री कार्की के संचार सचिव दिनेश थपरिया तथा मंत्रालय के कर्मचारी तथा मंत्रालय माथत के संस्थान के पदाधिकारी सब स्वागत कने मंत्रालय के परिसर से सीढ़ी धेर खार भेल कर्मचारी सबके स्वागत पश्चात संचार मंत्री कार्की राष्ट्रीय सूचना आयोग के लोगो बनेबाक प्रस्ताव में हस्ताक्षर कने कार्की हस्ताक्षर कने प्रस्ताव आब स्वीकृति के लिए मंत्री परिषद में लजल पहुँचाल जाए पदभार ग्रहण पश्चात संचार मंत्री कार्की मंत्रालय के सभाकक्ष में कैल गेल स्वागत कार्यक्रम में मंत्रालय आ माथत के निकाय के कर्मचारी सब पर पूर्वाग्राही नहीं रह कर काम कर कोशिश करबाक बतौलक वो मंत्री सबके सफल बनाब कर्मचारी के नमहर हाथ होबाक कहित स्वयं कर्मचारी सब पूर्ण रूप में सहयोग के आशा में रहल बतौने छल कुन खास ठाउँबाट आएको हुँ म कुन खास पार्टीबाट आएको हुँ म खास के हुँ भन्ने कुरा त्यो डिस्टिङ्ट मतलब खास कुरालाई छोडेर म नेपाल नेपाली जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने कोसिस गर्छु र यस बेलामा तपाईँहरूको सहयोग भएर हामीले केही राम्रो परिणाम दिन सक्यौँ भने केही राम्रो भयो भने मेसेज दिन सक्यौँ भने तपाईँ हामी सबैको सन्तोषको विषय हुनेछ कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव दिनेश थपलिया मंत्रालय करित आयल काम कार्यवाही आ मंत्रालय माथत रहल संस्थान तथा निकाय सब के विषय में जानकारी करौने छलथि नेपाल विद्यार्थी संघ के 11 महाधिवेशन में प्रतिनिधि छनौट में देखल गेल विवाद चरम उत्कर्ष में पहुँचल विवाद उत्कर्ष में पहुँचल संगे माओपार्टी नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल के समूह के विद्यार्थी नेता सब निर्वाचन बहिष्कार के चेतावनी दिलक पौडेल समूह से अध्यक्ष में उम्मीदवारी घोषणा के मनोज मणि आचार्य दीपक भट्टराय नीलकंठ रिजाल विनीता अधिकारी लगायत के विद्यार्थी नेता सब
रविदिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का प्रतिनिधि छनौट में धांधली कैल गया आरोप सहित प्रतिनिधि सबके नामावली निसचियाल गया निर्वाचन बहिष्कार करवाक चेतावनी दिलक। कांग्रेस गठन के निर्देशक समिति शनि दिन राति में 3760 गोटे महाधिवेशन प्रतिनिधि के नाम सार्वजनिक कने निर्देशक समिति सार्वजनिक कने सूची में वास्तविक विद्यार्थी के छोड़ल गया तथा संगठन में काम नहीं कने व्यक्ति के प्रतिनिधि बनाल गया पोडेल समूह के नेता सबके आरोप है। बाकी निर्वाचन का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन, यसका लागि हामी सबै साथीहरू जो स्वाभाविक साथीहरूको नाम छुटेको छ, जो साथीहरू विधि मार्फत आजभन्दा दुई वर्ष पहिलेदेखि अलि जिल्ला र क्याम्पसको अधिवेशन भएदेखि प्रतिनिधि हुनुभएको थियो, ती साथीहरूलाई छुटाएर महाधिवेशनमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। के नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने नाममा फर्जी प्रतिनिधिहरू ड्राइभर खलासीहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनमा प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने बडो गौरवशाली नेपाली कङ्ग्रेसका हामी कार्यकर्ताहरूको शिर उँचो हुन सक्छ? क्या यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कब्जा गर्न लागिएको हो? यस कब्जा गर्ने अध्यक्ष युद्धत गरिएको हो? को षड्यन्त्रकारी हुन् हामीलाई थाहा छ, यहाँ नाम लिन नपरोस्। अझ पनि हामी जिम्मेवार छौँ, हामीले दरबारतिर ठडाएका हातहरू बुढा निलकण्ठतिर ठडाउनु पर्यो। 65-63 सालको आन्दोलनमा हिँडेका साथीहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि काटेको छ, तर जिल्लामा बसेर काम गर्ने बस्तीवटा कर्मचारी र साधारण विद्यार्थी नभएका मान्छेहरू भाडाका टक्टुहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि। त्यसैले हामीले के सोच्यौँ भने यस्तो महाधिवेशन प्रति यस्तो फर्की मतदाता लिएर निर्वाचनमा जाने हो भने त्यसले सही निर्णय गर्न सक्दैन, त्यसले गलत व्यक्तिको निर्वाचित गर्न सक्छ, त्यसले गलत व्यक्तिलाई नेतृत्वमा लिएर आउन सक्छ। पौडेल समूह के विद्यार्थी नेता सब पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा पर प्रतिनिधि छनौट में धांधली केने पार्टी मुख्यालय के ब्यारेक में परिणत केने तथा तानाशाही प्रवृत्ति लाधक खोजने कहित प्रतिनिधि के नामावली नहीं सचियाल गया तो पार्टी भीतर आंतरिक लोकतंत्र के लिए संघर्ष करवाक चेतावनी दिलक। निर्देशक समिति में रहल पार्टी नेता पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्य द्वय गोविंद भट्टराय आ गुरुराज हिमिरे से हो समिति के निर्णय विपरीत प्रतिनिधि के नामावली सार्वजनिक कैल गया कहित नामावली सचिया का मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ावा प्रभाव बताने। एम्हर नेपाली कंग्रेस के नेता रामचंद्र पौडेल पक्षधर नेता सबके विरोध के कारण ललितपुर के सानेपाई स्थित कंग्रेस मुख्यालय रविदिन दोपहर में तनावग्रस्त बनल। पौडेल पक्षधर विद्यार्थी नेता सब नेवी संघ के 11 महाधिवेशन के प्रतिनिधि छनौट में धांधली कैल गया कहित नामावली सचिया मांग कर नाराबाजी कैलाक बाद कंग्रेस मुख्यालय आसपास के क्षेत्र तनावग्रस्त बनल छल। केन्द्रीय निर्वाचन समिति दोपहर में 3 बजे से 6 बजे धरि उम्मीदवार के मनोनयन दर्ता के कार्यक्रम रखने में मनोनयन के प्रभावित कर जका पौडेल पक्ष के विद्यार्थी सब नाराबाजी आ प्रदर्शन केने छल। ओ सब पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा निर्देशक समिति के संयोजक डॉक्टर प्रकाश शरण महत विरुद्ध नाराबाजी केने छल। नाराबाजी के क्रम में किछ विद्यार्थी सब प्रहरी ऊपर पत्थरबाजी समेत केने छल। स्वयं सब ऊपर पत्थरबाजी कला के बाद प्रहरी प्रदर्शनकारी ऊपर जोरदार लाठीचार्ज कलक। तनाव के कारण केन्द्रीय निर्वाचन समिति मनोनयन दर्ता के कार्यक्रम सोम दिन भोर धरि के लिए स्थगित कलक। निर्वाचन समिति सोम दिन भोर में 8 बजे से 11 बजे धरि मनोनयन के समय तोकने अच्छ तो सावन 32 गते भोर में 7 बजे से साँझ में 7 बजे धरि मतदान के कार्यक्रम तय कने। एम्हर निर्देशक समिति के संयोजक डॉक्टर प्रकाश शरण महत प्रतिनिधि के नामावली सहमति के आधार में निष्कर्ष लगाओल गया दावी करते सब पक्ष के मिलावट खोजला पर प्रतिनिधि सबके संख्या बहुते भेल स्पष्टीकरण दिलक। संयोजक डॉक्टर महत रविदिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का नेवी संघ के सक्रिय कार्यकर्ता सब केहू से मतदान के अधिकार से
नै छुटो कहेक सब पक्षकै मिलौला पर प्रतिनिधि के संख्या 3760 पहुँचल कहित मतदान से नेतृत्व चयन कैल जेबाक बतौलक अछि। नेवी संघको सभापति लगायत सारा यो निर्देशक समिति को सदस्य सहभागिता में सब को सहमति में टुंग्याई को जहांसम प्रतिनिधि संख्या ज्यादा भो या कम भाई कुछ ज्यादा इस कारण भो कि सब पक्ष निर्वाचन नुना सब पक्ष अधिवेशन में सहभागिता सुनिश्चित करना को लगी एउटा निर्णय मार्फत सबैलाई चित्त बुझाउनको लागि एउटा निर्णयबाट थप प्रतिनिधिहरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ थप्दा फेरि यो संख्या ठूलो हुनु भएको हो। निर्देशक समितिक संयोजक डाक्टर महत प्रतिनिधि छनौटमे एक सप्ताह के समय लागल रहितो महाधिवेशन आब नै रुकत दावी कलाइ छ। नेवी संघ के महाधिवेशन के उद्घाटन शाम 23 गते भेल एम्हर प्रतिनिधि छनौट के विवाद के कारण बंद सत्र स्थगित कयल गेल छल। झड़प में पड़िकर नेवी संघ कार्यकर्ता नवीन बिमली घायते भेल छ। असंतुष्ट विद्यार्थी सब त्रिचंद्र कॉलेज से प्रदर्शन करैत सानेपा पहुँचल छल। नेपाल विद्यार्थी संघ के नया नेतृत्व के लिए मनोनयन दर्ता सोम दिन के लिए घुसकाओल गेल। व्यवस्थापिका संसद में विभिन्न तीनटा विधेयक ऊपर के प्रतिवेदन पेश भेल छ। संसद के रवि दिन बैसल बैसार में अर्थ समिति विभिन्न तीनटा विधेयक ऊपर के प्रतिवेदन पेश कलक। समितिक सभापति प्रकाश ज्वाला लेखा परीक्षण पहिल संशोधन विधेयक 2071 कर्मचारी संचय कोष नवम संशोधन विधेयक 2071 आ नेपाल राष्ट्र बैंक दोसर संशोधन विधेयक 2071 संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश कलक। समिति तीनू विधेयक दफावार छलफल के लिए गत माघ 5 गते समिति में पठौने छल। समिति अलग अलग उपसमिति गठन कक विधेयक सब पर प्रतिवेदन तैयार कक संसद में पेश कलक। बैसार से दूटा विधेयक सब छलफल के लिए विधान समिति में पठौलक। बैसार से न्याय प्रशासन विधेयक आ न्याय परिषद विधेयक 2073 के दफावार छलफल के लिए विधान समिति में पठा देने। उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री कृष्ण बहादुर महरा दुनू विधेयक के दफावार छलफल के लिए संबंधित समिति में पठावक लेल प्रस्ताव केने में बैसार से सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत कयल गेल। प्रस्ताव स्वीकृत केने संगे संसद के बैसार भादो 1 गते धरि के लिए स्थगित कयल गेल। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्वयं नेतृत्वक सरकार केने समझौता कार्यान्वयन के लिए पहल कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। व्यवस्थापिका संसद के रवि दिन बैसल बैसार में नेकपा एमाले के सांसद केशव बराल विशेष समय में बजट भारत आ चीन दुनू देश संग अगिलका सरकार केने समझौता सब कार्यान्वयन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। सांसद बराल उप प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में भारत आ चीन पठेबाक मंत्री परिषद के निर्णय के कतेको सब शंकास्पद रूप में लेने कहित शंकास्पद कयल गेल अनुसार के गतिविधि कर के बदला अगिलका सरकार के ने समझौता कार्यान्वयन कक पड़ोसी देश सब संगे के संबंध विकास कर प्रभाग बतौलन। ओ उप प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री विमलेन्द्र निधि के भारत भ्रमण में विशाखापट्टन बंदरगाह के प्रयोग करवाक समझौता कार्यान्वयन कर तथा सीमा क्षेत्र के 8 किलोमीटर धरि कोनो संरचना नहीं बनाबक लेल भारत के ध्यान आकर्षण कराबा प्रभाग बतौलन। तहिना उप प्रधानमंत्री तथा अर्थमंत्री कृष्ण बहादुर महरा के चीन भ्रमण के क्रम में पार वाहन तथा यातायात समझौता आ रेलमार्ग बनेबाक सहमति कार्यान्वयन के लिए आवाज उठाब प्रभाग एमाले सांसद बराल बताने। हाम्रो दक्षिण तराईका जनताको दैनिक जीवनसँग गाँसिएका कयौँ ठाउँमा चाहिँ अवरोधहरू भएका छन्। ती अवरोधहरू हटाउनको निम्ति कम से कम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम 8 किलोमिटरभित्र कुनै पनि त्यस्ता स्ट्रक्चरहरू बनाउनु भएन भन्ने कुराको निम्ति पनि यो भ्रमणमा भारतसँग कुरा होस् भने चिनसँग उप अर्थमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ र त्यसको निम्ति विगतमा करिब सहमति भएको अगाडि बढिरहेको केरुङ काठमाडौँ पोखरा र लुम्बिनी जो विश्वका आधा जनसङ्ख्याले सम्मान गर्ने क्षेत्र हो त्यहाँसम्म जोड्ने रेलवे लाइन अगाडि बढाउने कुराको निम्ति पनि जोरदार रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एमाले सांसद बराल काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक सरकारले बनाबके निर्णयमा कुनो फेरबदल नै गर तथा भारतको कुनो किसिमको आश्वासन नै देवस्यो हो सरकारको ध्यान आकर्षण गरौलकै छ। बैसारमा नेपाली कङ्ग्रेसके सांसद तारामान गुरुङ सिमाना निर्धारण आयोग प्रस्तावके नै मापदण्डके आधारमा स्थानीय तहके सिमाना आ संख्या निर्धारण गर नै होबाक बतौलन। ओ आयोग प्रस्तावके नै मापदण्ड आ संख्यामा पुनर्विचार गर आग्रह गरे। हिमाल आ पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या स बेसी भूगोलके आधार मानिक स्थानीय तहके पुनर्संरचना गर प्रभाग बतौलन। यसलाई पुनर्विचार गरेर यसलाई यो गाउँपालिकाहरू निर्माण गर्दाखेरि
जनसंख्या का आधार में होइन भूगोल का आधार में बनाने रणनीति तैयार गर्नुपर्छ। विस्तारमा नेपाली कंग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा एमआरपी पासपोर्ट के मूल्य 5,000 मात्रै तोक आ सब जिल्ला सब पासपोर्ट देव के व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण गराउने छ। अस्थायी शिक्षक सब 2 महीना पहिले संशोधन भेल शिक्षा ऐन फेर से संशोधन कर माग लगाई छ। अस्थायी शिक्षक आंदोलन समिति रविदिन काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन का शिक्षा ऐन के 8 संशोधन से अस्थायी शिक्षक सबके माग संबोधन नहीं भेल कहित फेर से ऐन संशोधन कर माग लगाई छ। समिति का अध्यक्ष निरेन्द्र कुवर अस्थायी शिक्षक के प्रक्रिया पहुँचाकर थाई कर प्रभाग स्वयं सबके माग के 8 संशोधन से संबोधन नहीं कैल गला के कारण ऐन पुनः संशोधन के माग लगाई छे। वो 2063 साल पश्चात उमेर हद के कारण अवकाश में गेल अस्थायी शिक्षक के दवाई उपचार खर्च आ उपदान देव प्रभाग अन्यथा देशभर के सब अस्थायी शिक्षक के काठमांडू में इकट्ठा कर भादो 12 गते से आंदोलन करवाक चेतावनी दिलान। हामी 2073 साल भाद्र 12 गते यही काठमाडौँमा हामी सबै जम्मा हुन्छौँ र त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो विरोध कार्यक्रम गर्छौँ, साथसाथै पत्रकार सम्मेलन पनि गर्छौँ, त्यहीँ विरोध कार्यक्रम गर्छौँ, र्याली पनि गर्छौँ र त्यो दिनबाट बढत रूपमा हामी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्छौँ। यसबाट राज्य गहिरो भयो भने, अन्ध भयो भनेदेखि र पहिरो भयो भनेदेखि कान खुलाउने काम र आँखा देखाउने काम हामीले गर्नेछौँ। यसको लागि समिति 5 बुधे माग सम्बोधनक लेल ध्यानाकर्षण कराब कहित पहिल चरणमा भादो 7 गते देशभरके जिल्ला शिक्षा कार्यालय मूल गेटमा 1 घण्टा धरना बैसबाक कार्यक्रम सार्वजनिक कलकै छ। बेटाके हत्यामा संलग्नके कारबाहीके माग राखेका अमरन अनसन बैसल गोर्खाके फुजेलके गंगा माया अधिकारीके बचाव तथा कानुनी राज्यके स्थापना गर्न माग करैत बालवाटार पहुँचल मानव अधिकार कर्मी सब अपने कानून विपरीत निषेधित क्षेत्र में प्रदर्शन के लगाए छे। चरण प्रसाई के नेतृत्व में रवि दिन भोर में बालवाटार पहुंचल अधिकार कर्मी सब पुलिस के आग्रह के व्यवस्था करित निषेधित क्षेत्र में प्रदर्शन के लगाए छे। बैनर आ प्ले कार्ड सहित बालवाटार पहुंचल अधिकार कर्मी सब स्वयं सब नागरिक अधिकार के सम्मान के लिए प्रदर्शन कर आयल कहित निषेधित क्षेत्र के नाम में प्रदर्शन रोक लगाब नहीं पाब के बताने छ। वो सब पुलिस संग प्रतिवाद करवा क्रम में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पर अपशब्द समेत बोलने छ। धेरै पहिला अस्ति ओली सरकार बुझेर हामी आएर बसेको हामीलाई हटाएको थिएन। फर्चुन नआउने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ भोलि काठमाडौँ छोड भनेर हामी छोड्न सक्छौँ त? गाउँ छोड भने छोड्यो, मान्छे मार्यो, दाजुभाइ मार्यो, अहिलेसम्म हामीले केही गर्न सकेनौँ। अब यहाँ काठमाडौँ देशको बाउको वीरता होइन फर्चुन। हामी एउटा अधिकार कर्मीहरू अधिकारको निम्ति बसेका छौँ, त्यहाँ जानुहोस् भन्दा गुरुकुल त्यहाँ जाने, त्यहाँ जानु होइन, त्यसरी नागरिकको सम्मान गर्नु तपाईँहरू पनि जानु सम्मान गर्छौँ। बेर बेर आग्रह कला पर सेहो अस्वीकार का प्रधानमंत्री निवास आगू के निषेधित क्षेत्र में प्रदर्शन कला के बाद पुलिस प्रदर्शनकारी सबके गिरफ्तार कने सब। आप बिजनेस न्यूज सरकार दैनिक उपभोग्य वस्तु के बाजार भाव नियंत्रण के लिए अनुगमन करबाक निश्चित भेल अछि। आपूर्ति मंत्री दीपक बोहरा रेवती नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ आ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के प्रतिनिधि सबके अपन सभाकक्ष में बजाक छलफल का सोम दिन से सरकार अनुगमन के तीव्रता देवाक बतौलक। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल मंत्री परिषद के दोसर बैसारे में बाजार अनुगमन के तीव्रता देव आ महंगी नियंत्रण कर आपूर्ति गृह मंत्रालय के निर्देशन देने। आपूर्ति मंत्री बोहरा गृह मंत्रालय माथत के कर्मचारी समेत के उपस्थिति में भेल छलफल के शुरू में उद्योगी सब समक्ष पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य घटि कर ढुवानी भाड़ा कम भेल अवस्था में बाजार भाव अप्रत्याशित रूप में किया दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है कह के प्रश्न कने छल। उद्योगी सब उत्पादक के समान उपभोक्ता समक्ष पहुँचित काल 4 तह पार कर प्रभाव भेला से भाव बढ़ल
जवाब देने छन्। मुदा आपूर्ति मन्त्री बोहरा नेपालमे खपत होबयवला अधिकांश वस्तु भारतसँ आयात भ रहल मुदा ओत महगी नै भरल अवस्थामे नेपालमे बजार भाव बढ्नाइके सामान्य रूपमे लेल नै जेबाक चाहिँ बताउने छला। आपूर्ति मन्त्री बोहरा अनुगमनके क्रममे भेटल गेल आ भेटवला म्याद गुजरि गेल वस्तु नष्ट गर सेहो निर्देशन देलकै छ। तेकरा बाद नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घके उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ म्याद गुजरल बिक्री होब नै सकल वस्तुके भ्याट सरकार फिर्ता लेबा प्रभाग बताउने छन्। मुदा आपूर्ति मन्त्री बोहरा उपभोग्य वस्तु बिक्री नै भेलमे सरकारके कोनो भूमिका नै हेबाक कहैत बिक्री नै भएको म्याद गुजरि गेल वस्तुके भ्याट सरकार फिर्ता देबके बात सम्भव नै भेल जवाब देने छल। आपूर्ति मन्त्री बोहरा कड़ा रूपमे प्रस्तुत भेलाके बाद उद्योगी सब हचकिचायल छल। मन्त्रालय पहिल चरणमे अनुगमनके लेल एक दर्जन वस्तुके सूचीमे रखने जनौलक अछि। कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यान महासङ्घ आगामी भादो 23-26 गते धरि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमे क्यान कमटेक मेला करबाक भेल अछि। क्यान महासङ्घ रवि दिन काठमाडौँमे पत्रकार सम्मेलनके इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजीके क्षेत्रमे भेल पछिल्का विकासके विषयमे आम उपभोक्ता सब एकै छत्री निचा जानकारी हासिल गर सकौ कहिक सुबिसु क्यान कमटेक मेला गर लागल बताउलक अछि। मेलामे हार्डवेयर सेल्स एन्ड मेन्टेनेन्स पावर सोलुसन्स मोबाइल एसोसिएरिज डिलर आ डिस्ट्रिब्युटर्स इन्टरनेट सेवा प्रदायक टेलिकम्युनिकेसन आइसिटी कलेज सफ्टवेयर सोलुसन लगायतके काछीटा स्टल राखल जेबाक महासङ्घ जनौलक अछि। महासङ्घके महासचिव बलामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सब विशेष छुट सहितके प्याकेज लेबाक मेलामे स्मार्टफोनके नयाँ प्रविधि सेहो आकर्षणके रूपमे रहबाक बताउने छन्। मेलामे सरकार परिकल्पना केने स्मार्ट सिटीके आधारभूत पूर्वाधारके विषयमे समेत जानकारी देल जायत। 4 दिन धरि चलबला मेलामे 150,000 सँ बेसी अवलोकन करबाक क्यान महासङ्घके अनुमान अछि। आब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकाक राज्य न्यूयॉर्कके क्विन्समे एकटा इस्लामिक धर्मगुरु आ हुनक सहयोगीके गोली दागिकऽ हत्या कयल गेल अछि। सड़कमे चलि रहल समय पछाडिसँ आयल एकटा व्यक्ति हुनका सबके माथमे गोली प्रहार केने पुलिस बतौलक अछि। बङ्गलादेशसँ 2 वर्ष पहिने 55 वर्षक इमाम मौलाना अङ्कोजी अमेरिका पहुँचल बताओल गेल अछि। तहिना हुनक सहयोगी थारा उद्दीन 64 वर्षके छल। ओसबके अल फुरकान मस्जिदसँ निकलल लगतै गोली प्रहार कयल गेल छल। यद्यपि पुलिसके अनुसार ओसब 2 गोटे धर्मके कारण मारा गेल होब सकबाक तथ्य नै भेटल सेहो बताओल गेल अछि। इमामके हत्या भेल स्थलमे जमा भेल समर्थक सब कहलनि ई हेट क्राइम भेल दावी करैत प्रदर्शन केने छल। ओ सब न्यायके माग करैत नाराबाजी समेत केने छल। अन्तमे हेडलाइन्स एक बेर फेरसँ। अपन माग सम्बोधनक विषयमे सरकारसँग छलफल करबाक समेत लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाक निर्णय। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अपन पार्टीके 9 गोटेके समावेशक मन्त्री परिषद तेसर बेर कयलनि विस्तार। नवसाक सखुवा महेन्द्रनगरमे पति द्वारा पत्नीके हत्या भेल खुलासा। स्थानीयतः पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति आह्वान केने विचार संघीय गठबन्धनके नेता कार्यकर्ता द्वारा अवरुद्ध। आ अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क एकटा सिटीमे इस्लामिक धर्मगुरु आ हुनक सहयोगीके गोली दागिकऽ हत्या। अपन न्यूज एखनके लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।